कहते हैं मर्द के दिल में उतरने का रास्ता उसके पेट से हुए है, पर हमारे तिवारी जी के दिल का रास्ता पेट से नहीं नोट से होके जावे है। इस महीने का हिसाब नहीं दिया तुमने? ये देखो भाई का पन्ना खाली पड़ा हुआ है, जल्दी करो। इस बार तो आपकी रेणुका ने कमाल कर दिया। अब क्या कर दिया? पूरे 500 रुपए बचाए हमने महीने के खर्च से। कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं? हैं? अब जो कुछ भी सीखा है आपसे ही तो सीखा है, घर और महीना कैसे चलाना चाहिए और कौन कौन सी चीज जरूरी होवे है। अगर ये वाला हुनर कई साल पहले से दिखाया होता ना तो अब तक 500-500 रुपए करके कितने ही नोट जमा कर लेती, लेकिन नहीं, हमारे तो हाथ ही नहीं रुकते हैं, किए जाओ खर्चे। अरे अब कोई बात अगर समझ में आने में थोड़ी सी देर लगे है तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए ना। बात समझ में आ गई, ये बात जरूरी है ना? आ गई समझ, अब जाओ अपना काम करो। जता नहीं रहे हैं पर हम जानत हैं। अच्छा तो बहुत लगा है इन्हें 500 का नोट मुट्ठी में पकड़ के। मूड अच्छा है, आज इनसे बात करके ही रहेंगे। देख आदि भाई, देख हम लोग तो ना ऐसे ही महफिल जमाते हैं। तो पहली बार आया है ना, एंजॉय कर हमारे साथ। देख हम बनाएंगे पैक। ए भाई बना अपना पैक। अबे ओ भाई पानी नहीं शराब है भाई। अबे धीरे धीरे खींच मजे से। और तू भाई ओ छोटे पैक बना अपने भाई के लिए। ऑमलेट को टाइम लगेगा, इनसे चना मूंगफली मंगा ले। एक मिनट रुक, काजू खाओ। इस उम्र में माँ बनने का फैसला मम्मी जी का खुद का था, मेरा नहीं। मम्मी की चिंता ना हो बल्कि अपनी खिल्ली उड़ाई जाने का डर है। ये ले। अबे काजू खाओ काजू। क्या बात है, तरक्की वरक्की हो गई लगता ऑफिस में। अबे कौन सी तरक्की, वो तो मेरे बॉस की तरक्की हो गई। अबे बुड्ढा बाप बनने वाला है। कौन मित्तल? वो बुड्ढा? हाँ वो ही बुड्ढा। अबे 50 की उम्र में जवानी के मजे ले रहा है। सही है, बेटा और पोता एक ही स्कूल बस में जाएंगे। एक ही बस में एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। खुद तो मिठाई बांट रहा है बिचारी उसकी भाई, ये उम्र में इतना बड़ा पेट लेकर कहाँ जाएगी। अबे कहाँ जाएगी, समाज में रहेगी। यही बात तो नव्या को भी सोचनी चाहिए थी। ठीक नहीं कर रही हो मम्मी के साथ। अबे आदि आ रहा हूं। वासुदेव कितने खुश हुए होंगे ना? कौन वासुदेव? अरे वो अपने बंसी वाले के पिताजी। कौन? कृष्ण कन्हैया भगवान जी। सीधा बोलो ना, भगवान कृष्ण, बंसी वाले वासुदेव। हाँ मतलब वो जब पैदा हुए होंगे तो उनके आंगन में ऐसी खिलकारियां गुंजी होंगी ना। क्या बेकार की बातें कर रही, किस माँ बाप को अपने बच्चों की किलकारियां अच्छी नहीं लगती बताओ। हाँ वही तो हम कह रहे थे कि अब हमारे आंगन में भी ऐसी किलकारी गूंजनी चाहिए ना। मतलब कितने खुश होंगे सब लोग, आप, हम, जीजी,
आदि और नव्या। हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वो नव्या बहुत ही अच्छी लड़की है और अब ईश्वर की मर्जी के आगे तो किसी की ना चले है, तो वो हम कह रहे थे कि नव्या कभी माँ नहीं बन सकत है और वो गुड न्यूज वाली बात हमारा मतलब है कि हमारे घर में गुड न्यूज आ सकत है लेकिन हिम्मत करके हमने जो बात कही और इन्हें तो सुनी ही ना है। हर बार काम की बात उनके खराटों के शोर में दब के रह जाते। क्या करें, बात तो करना जरूरी है। उठाए लेगा माँ बनने का फैसला मम्मी जी का खुद का था, मेरा नहीं। हमें चाहिए बच्चा, हम चाहते हैं कि इस घर में बच्चा आए। अरे बुड्ढा बाप बनने वाला है। बिचारी उसकी भाई, ये उम्र में इतना बड़ा पेट लेकर कहाँ जाएगी। इस उम्र में माँ बनने का फैसला मम्मी जी का खुद का था, हमें चाहिए बच्चा। हम चाहते हैं बुड्ढा बाप बनने वाला है। अबे 50 की उम्र में भाई बाटी है बेचारी उसकी, ये उम्र में इतना बड़ा पेट कहाँ जाए। हमें चाहिए बच्चा। बुड्ढा बाप बनने वाला है। अबे 50 की उम्र में ये उम्र में इतना बड़ा पेट कहाँ जाए। अर्शद को साथ लेके चलेंगे। लो आ गया, अभी खबर लेते हैं उसकी। ऐसे कौन परेशान करता है का? मम्मी जी, मम्मी जी, थक कर आए, ज्यादा कुछ मत कहिएगा, रुकिए मैं देखती हूँ। ठीक तो है, कोई और है घर में? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? क्या आदित्य तिवारी, सनब मुकुंद तिवारी यहीं रहते हैं? हाँ हाँ यहीं पर रहते हैं, लेकिन बात क्या है? सड़क पे एक एक्सीडेंट हुआ है, बाइक मिली है, गाड़ी के कागजात पर यहीं का पता लिखा है। आदि, क्या हुआ? आदि को ज्यादा चोट तो नहीं आएगा? हम आदि ठीक तो है ना? एक मिनट मुझे बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब पूरी बात बताइए, हुआ क्या है? बाईपास रोड पे आपके बेटे सामने से आती हुई तेज गाड़ी से टकराए। बाइक की हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह हुआ है। बाइक तो मिली हमें, लेकिन बाइक सवार कोई आता पता नहीं है। ऐसे कैसे आता पता नहीं है? आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं होगा। एक मिनट मुझे बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब आपके सामने तो रोज हादसे होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा गायब हो गया हो? हमने आसपास सब जगह देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। जब आपका बेटा मिलेगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। आपको एक्सीडेंट स्पॉट पे बाइक और पेपर कंफर्म करने के लिए आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब मैं आपके साथ में चलता हूँ। अशरफ जल्दी आ। पापा जी मैं भी साथ चलूंगी आपके। मैं नहीं, मेरा भाई तुम घर पे रहो। रेणुका तुम इसका ध्यान रखो, मैं अशरफ को लेकर साथ में जा रहा हूँ। अशरफ जल्दी आ, चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए 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 जल्दी चलिए।
आदि, हे भगवान आदि। मम्मी जी आदि कुछ नहीं होगा, नहीं तो देखिए कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं हुआ उसे, मेरा दिल कह रहा है वो ठीक है। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आदि बाइक चला ही ना रहा हो, है ना, उसका कोई दोस्त उससे बोरो करके ले गया हो बाइक, मुझसे नाराज है ना, शायद इसीलिए सता रहा है, और कुछ नहीं, आप ऐसे परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ उसे। मैं गौतम भैया प्लीज जल्दी से आ जाइए, आदि का एक्सीडेंट हो गया बाईपास रोड पे जी। आंटी जी कहाँ हुआ आदि को? भाभी हमें पहले क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ कहाँ हुआ? गौतम भैया पापा जी ना पुलिस वालों के साथ एक्सीडेंट की जगह पे गए, हमें आदि के ऑफिसर की पूछताछ करनी चाहिए, वो पहले भी जब पी के आया था तो कैब से आया था, बाइक से तो आया नहीं था, तो हाँ जी क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें हमारा आदि चाहिए इस घर में वापस बिल्कुल सही सलामत, कसम जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। नव्य भाभी मैं जाता हूँ आदि को ढूंढने, तुम मत यहीं रुको। भैया मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नव्या ना बेटा, ऐसी हालत में तुझे नहीं जाना चाहिए। दीदी प्लीज भैया गाड़ी में ही तो जा रहे ना मुझे। ना बेटा रेनू बोल ना, तुम नहीं जाओ नव्या, रुको ही आई गौतम तुम फोन करके बताते रहना। जी आंटी जी फोन कीजिएगा प्लीज। जी मधु तू नव्या को लेकर अंदर जा बेटा। जी मम्मी जा। आशा ना कुछ नहीं होगा आदि को। नव्या ज्यादा टेंशन मत ले, बच्चे की सेहत पे असर पड़ सकता है। पर तू सब मुझे ही समझा रहे, कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा है? सब तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, और बच्चा 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 कोई बच्चा नहीं है मेरे पेट में, नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट। मालिक इंस्पेक्टर साहब जो तो हो सकते हैं कोई गाड़ी वालों आओ हुए हैं और अपेसंगे आदि भैया को अस्पताल लेके गए हैं। हमारी टीम ऑलरेडी आसपास के अस्पताल में पता लगा रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेटा बाइक लेके गया ही नहीं हो। इंस्पेक्टर साहब ये चाबी आदि की है। नव्या क्या बोल रही है तू? मेरा मतलब है कि अगर आदि ही नहीं रहेगा तो इस बच्चे का क्या करूंगी, क्या करूंगी इस प्रेगनेंसी का?
नव्या, मुझे सच सच बता, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही? और आदि भी उसी नशे में कौन सी झूठ की बात कर रहा था? बताओ नव्या, ऐसी कौन सी बात है? रेनू, ये आदि नव्या को झूठी काहे बोल रहा था? क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? अरे हमें कहाँ मालूम कहाँ चल रहा है, आजकल के बच्चे कुछ बताते हैं का? अच्छा, तूने आलोक जी और प्रीति से बात की? शायद वो कुछ कर सके? कर लिए हम फोन, उठाया नहीं प्रीति ने, वो दोनों किसी पार्टी में जाने वाले थे। अगर रेनू और मुकुंद तिवारी को पता चला ना कि उनकी सीधी साधी बेटी पार्टियों में वाइन पीने लगी तो बेचारे बेहोश हो जाएंगे। अरे अब तिवारी जी की बेटी जो है ना, वो आलोक दुबे की बीवी है, और आलोक दुबे की बीवी वही करेगी जो आलोक दुबे चाहेगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की परमिशन की जरूरत है। और वैसे भी यहाँ कौन देखेगा, भाभी तो बच्चों के संग चद्दर तान के सो रही है। बेचारी संध्या भाभी, हम यहाँ पार्टी कर रहे और वो हमारे बच्चे संभाल रही, बहुत स्वीट है वो। इस घर में तुम्हारे बच्चों की आया बनने नहीं आई हूँ प्रीति, बस कुछ और दिन ऐश कर ले अपने पति के साथ, फिर ये मौका तुझे कभी नहीं दूंगी। आदि भैया, आदि मालिक, मालिक पुलिस वाले बोल रहे थे वो लोग अस्पताल में पूछताछ करेंगे, हम लोगों को अस्पताल चल के देखने चाहिए आदि भैया को। आदि संजय जी, इतनी रात को फोन कर? हाँ संजय जी बोलिए। क्या आदि? गौतम, पता चला आदि का? नहीं आंटी सर, कुछ पता चला? नव्या बेटा, क्या बात हो गई? बताना बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तेरी मम्मी तक को नहीं पता है? बताना बेटा, हाँ देख रेनू की तरफ, कितनी परेशान लग रही है वो, बताना बेटा। नव्या बता दो यार कुछ, शायद उसी से आदि के बारे में कोई सुराग मिल जाए। बस करो, वो पहले ही इतनी परेशान है और तुम लोग, अगर ऐसी कोनो बड़ी बात होती तो हमें पहले ही बता ही देती ना। मधु, मैं मुकुंद अंकल को अभी कॉल करता हूँ। बंसी वाले, हमारे आदि को घर वापस ले आओ, घर वापस ले आओ। आती भी है नहीं, खुद भी गिरेगा, माँ को भी गिराएगा। मामा जी आप ठीक है ना? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका एहसान मैं कर। मामा जी आप क्यों हमें शर्मिंदा करते? वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां से गुजर रहा था और मेरी नजर आदि पर पड़ गई, वरना बात अगर पुलिस तक पहुंचती तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस भी बन सकता था। खैर शुक्र है इतनी जोर से गिरने के बावजूद चोटें ज्यादा नहीं आई। पर एक बात कहें, आदि को ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए थी। तो
वो कुछ दवाइयां हैं मैं अशरफ के हाथों भिजवा देता। शुक्रिया। कछु नहीं होगा हमारे आदि को, कछु नहीं होगा। अरे उसके पैदा होने के पहले से दुआएं मांगते आ रहे हैं हम बंसी वाले से उसके लिए। इतना निर्दयी ना है वो। तुम चलो बाहर चलो। कुसुम, मधु और गौतम पहले ही ये सोच रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में कछु ठीक ना चल रहा है। अब बेकार में वो इस एक्सीडेंट को तुम्हारे झगड़े से जोड़ बैठेंगे। बच्चा